नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका पाल ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में। भाइयों, आज की वीडियो में मैं आपको महिंद्रा 575 DI XP प्लस ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ। ये ट्रैक्टर 47 HP में आता है। इसमें जो कंपनी ने खास बदलाव किए हैं वो मैं आपको बदलाव दिखाऊंगा। इसमें जो सबसे पहला बदलाव है, इसमें आपको जो आगे वाले टायर मिलते हैं 7/16 के मिलते हैं, ठीक है जी। बहुत भाइयों की डिमांड रहती है कि 575 वो कंपनी मतलब 7/16 के टायर में लॉन्च करें, ठीक है जी। तो इसमें आपको आपके किसान भाइयों की डिमांड के अकॉर्डिंग कंपनी ने इसको 7/16 के टायर में लॉन्च किया है, ठीक है। और ये 47 HP ट्रैक्टर है। और इसमें जो आपको पावर स्टीयरिंग मिलेगा, इसमें आपको बैलेंस टायर वाला पावर स्टीयरिंग मिलेगा। और ये इसका फ्रंट एक्सल घुमावदार है, ठीक है जी। कटिंग काफ़ी अच्छी करता है ट्रैक्टर। और ये इसका पावर स्टीयरिंग का पंप है, हाइड्रोलिक पंप दोनों अलग अलग दिए हुए हैं। और ये इसका बैटरी बॉक्स है, 40 बैटरी बॉक्स है। ग्राफिक्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे डिजाइन दिए गए हैं। और ये इसका फोर स्टेज ऑयल बाद वाला क्लीनर है। और आपको भूमि पुत्र का लोगो मिलता है। इसमें आपको तीन बदलाव मिलेंगे। पहला बदलाव मैंने आपको दिखाया, टायर चेंज कर दिए हैं। और ये देख सकते हैं, ये लीवर अलग से मिलेगा आपको। ये है डबल एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर का, ठीक है जी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेट करने का हो गया। कंपनी ने यहाँ पे अपना स्टिकर लगा के दिया है, CRP2 डुअल क्लच ट्रैक्टर है। और आप चाहें तो इसे सिंगल क्लच में भी ले सकते हैं। और इसमें आपको जो गियर मिलते हैं, इसमें आपको 8+2 गियर बॉक्स मिलता है। सेंटर गियर ट्रैक्टर है। और आप बताइए कि इस ट्रैक्टर को कंपनी अभी साइड गियर में लॉन्च करे या नहीं करे, आपके अकॉर्डिंग आप बताएं, ठीक, कमेंट करके बताएं। आपकी इच्छा है तो बताएं। और इसमें जो ब्रेक मिलते हैं, इसमें आपको OIV तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलेंगे। और ये इसका 12 वोल्ट का मोबाइल चार्जर है। और ये इसका डिजिटल मीटर होगा, ये ट्रैक्टर 2100 RPM पे। इसमें आपको फ्यूज मीटर, टेम्परेचर मीटर सभी मिलते हैं। ये इसका पार्किंग बटन हो गया जी। और मैं आपको ट्रैक्टर साइड से दिखाता हूँ, बाकी इसके फिल्टर वगैरह हो गए, ठीक है जी। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक्टर है ये। ट्रैक्टर आपको बहेड़ी में मिलेगा। सबसे पहले इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर ही मिलेगी। और इसमें आपको हाई लक्स की लाइटें मिलती हैं। और बाकी लुक इसका भैया पुराने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रैक्टर लगा देखने में। और ये महिंद्रा का लोगो है। आप चाहें तो इसे सादा स्टेयरिंग में भी ले सकते हैं। भाई, ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है, काफ़ी ज़बरदस्त ट्रैक्टर कंपनी का गया। इसमें आपको माइक्रो बॉस का इनलाइन पंप मिलेगा। ये इसका सेल्फ हो गया जी। बाकी सब कुछ आपको पता ही है। और इसमें जो खास मुझे बदलाव लगा, इसकी 6 साल की वारंटी है किसान भाइयों के लिए। ये बहुत अच्छा काम किया कंपनी ने, 6 साल की वारंटी दी है। और ये डुअल क्लच वाला मॉडल है, ठीक है। ये आपको सिंगल क्लच में भी अवेलेबल हो जाएगा। और इसमें जो लाइट मिलती है आपको, जो डिफर वगैरह हैं, अमर कंपनी के मिलते हैं। MTM का स्टिकर लगा हुआ मिलेगा। इसकी जो सीट है, इसमें आपको एडजस्टेबल सीट मिलेगी, ठीक है जी। और ये इसका लोहा ही हो गया। और इसका प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बाकी ये इसका PTO का रिबर हो गया, 540 मल्टीपर्पज PTO है। और ये मैंने आपको बताया डबल डिस्ट्रीब्यूटर का रिबर हो गया। और ये लिफ्ट का है, PCDC। ये कंपनी का स्ट्रक्चर है, इसे वीडियो रोक रहा था, इसे पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है जी। और ये इसका फाइबर का टूल हो गया। और इसके जो टायर हैं, इसमें आपको 14 और 28 के टायर मिलते हैं, ठीक है जी। आपके लिए ऑप्शन रहेगा, आप चाहें तो 13 से 28 के टायर भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी, इसमें आपको 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। और भाई, इसका जो सेकेंड बदलाव है, इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलेगा। काफ़ी अच्छा कंपनी ने तैयार किया है। MB प्लाओ या फिर प्रेशर ट्रॉली के लिए काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर हो गया ये, ठीक है जी। कंप्यूटर ब्लेड खूब चला सकते हैं इससे, आपसे जैसे लेजर लेबलर बोलते हैं। और इसमें आपको जो डबल सेंसिंग मिलती है, ये 47 HP का पहला ट्रैक्टर ऐसा है जिसमें आपको डबल सेंसिंग मिलेगी, ठीक है जी। तो ये मुझे कंपनी काम बहुत अच्छा लगा। आलू वगैरह की मेरे बहुत किसान भाई बुआई करते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन ट्रैक्टर हो गया। और इसकी जो ट्यूबें हैं, पिछला हिस्सा काफ़ी हैवी कर दिया है, बहुत भारी है। बहुत ट्रैक्टरों में शिकायत रहती है कि पिछला हिस्सा फट गया, ठीक है, ट्यूब फट जाती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगा मुझे, काफ़ी भारी है। पिछले से देख सकते हैं आप लोग, ट्यूब काफ़ी भारी कर दी गई इसकी, देख सकते हैं आप लोग। एक्सल काफ़ी भारी है, तेल में डूबे हुए ब्रेक मिलेंगे। और लिफ्ट पट्टी देख सकते हैं, काफ़ी भारी है। बाकी जो खास बदलाव मैंने आपको दिखा दिया, तीन बदलाव कंपनी ने किए वो मैंने आपको बताया। और ये ट्रैक्टर आपको भैड़ी में मिल जाएगा, ठीक है। भैड़ी में एजेंसी है, यहाँ पर आप आएँ। और ये इसकी SFC कवर हो गई, ठीक है जी। इसे भी आप वीडियो रोक के आसानी से पढ़ सकते हैं, सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। और इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत भाई, जो पुराना बेस वेरिएंट है इसका XP प्लस पावर स्टीयरिंग वाला, उससे ये ट्रैक्टर 30,000 रुपये महंगा है। क्योंकि इसमें कंपनी ने तीन चीज़ें एक्स्ट्रा लगाई हैं। तो इसका जो 7/16 के टायर हो गए, डबल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, और MPEG हाइड्रोलिक हो गई। तो इसमें तीन बदलाव है, इसीलिए ट्रैक्टर 30,000 रुपये महंगा है। बाकी आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू जी।